हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइज। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2023 के बारे में। तो जैसे कि गाइज आप सभी को पता है, मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके रखा था जिसपे मैंने ये कहा था आपको कि 15th ऑफ मई से अपना 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग 15th ऑफ मई से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक गाइज ये पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह कब लगेगा और पार्ट टू वगैरह और कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन सब के रिलेटेड आज एक वीडियो का इसमें यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। और सेकंड थिंग गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में अच्छे कॉलेजेस चाहिए रहेंगे, प्रॉपरली आपका एडमिशन प्रोसेस ईजी होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल देने वाला हूँ 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं इन्होंने एक टेंटेटिव टाइम टेबल लगा के रखा है, ये क्या है एग्जैक्टली। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो FY जैसे एडमिशन फॉर्म रिलीज डेट 3rd week of May, मतलब अभी 3rd week of May है ही वैसे भी गाइज। तो आपका फॉर्म रिलीज़ का डेट आने वाले 2-4 दिनों में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और ऑनलाइन पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग भी गाइज आप लोग देख सकते हो 3rd week of May, मतलब 23-24 तारीख से गाइज आपका ये यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो गाइज आपको और मेरे ख्याल से 5-6 दिन वेट करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा जल्दी ही 2-4 दिनों में। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3rd week of May आप लोग का जो पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग है ये स्टार्ट हो सकता है। एंड देन जैसे गाइज मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया है कि आपका 1st week of June दैट इज 7th, 8th, 10th June तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 10th का रिजल्ट लगेगा। एंड देन उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हो पार्ट टू का फॉर्म, ये आपका फॉर्म फिलिंग का पार्ट चालू हो जाएगा आफ्टर रिजल्ट, जो आपका जून के 1st week में लगने वाला है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो के हिसाब से आपका जो पार्ट टू का फॉर्म फिलिंग है आफ्टर रिजल्ट लगने वाला है। एंड देन उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो पूरा जुलाई महीने में आपके पास जो भी मतलब जून के एंड मिड तक आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा जुलाई महीना गाइस आपका एडमिशन का प्रोसेस चलते रहने वाला है। इसमें 3 नॉर्मल राउंड रहते हैं, देन 1-2 स्पेशल राउंड रहते हैं, इसमें आपका एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। एंड आपका जो कॉलेज है गाइस ये 1st या 2nd week तक मतलब मिड ऑफ ऑगस्ट आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस आपको और इतना 1-1.5 महीना हम लोग पकड़ सकते हैं, 1.5 नहीं ऑलमोस्ट 2 महीना है, जून जुलाई 2 महीना आपको गाइस और वेट करना पड़ेगा आपका पूरा का पूरा कॉलेज स्टार्ट होने के लिए। तो इस तरह से गाइस आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई रहेगी। फर्स्ट थिंग कि आपका जो पार्ट वन का फॉर्म फिलिंग है उसके लिए और 1 वीक वेट करना पड़ेगा, 3rd week of May यहाँ पे बताया जा रहा है। सेकेंड थिंग आपका जो रिजल्ट है 1st week of June बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से लगेगा। देन पार्ट टू का जो फॉर्म फिलिंग है आफ्टर रिजल्ट होने वाला है। एंड देन जैसे मैंने कहा कि 3-4 राउंड रहेंगे नॉर्मल, एंड देन कुछ स्पेशल राउंड रहेगा उसमें आपका एडमिशन का प्रोसेस चलते रहेगा। एंड देन उसके बाद गाइस आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, जिसको जैसे मैंने कहा कि मिड ऑफ ऑगस्ट आ सकता है। तो ये एक नॉर्मली मेरा यहाँ पे अंदाज़ा है कि इस तरह से कुछ एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रहेगी। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी अगर दिक्कत नहीं चाहिए, स्मूथली एडमिशन लेना रहेगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा 11th एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।